पीएचई की जानिब से बर्तरफ किए गए मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। सैकड़ों डेली वेजेस मुलाजमीन का बच्चों के हमरा जिला कौंसल चौक में एहतजाजी मुजाहरा। पीएचई मुलाजमीन कफन पहनकर सरापा एहतजाज बने, जिसमें मर्द खवातीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुलाजमीन ने सुनो हमारी आवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज, माशी कतक, ना मंजूर, ना मंजूर के नारेबाजी भी की। पीएचई के 700 से ज्यादा डेली बेजिस मुलाजमीन को मुस्किल करने की बजाय फारिग कर दिया गया। बरतरफ मुलाजमीन की बहाली और मुस्तकिली तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। आज जो ये एहतजाज हो रहा है पीएचई फैसलाबाद का हो रहा है, और पीएचई से 750 मुलाजम जो रेगुलर सीटों के अगेंस्ट डेली वेजेस मुलाजमी को भर्ती किया गया था, उनको बगैर किसी नोटिस के निकाल दिया गया है। गवर्नमेंट फंड नहीं दे रही, और मोहतरमा वज़ीर आला साहबा ये फरमा रही हैं कि पंजाब को साफ़ सुथरा करना है। जिन्होंने साफ़ सुथरा करना है उनको नौकरी से निकाल दिया है। हमारी उनसे अपील है कि इनको फौरी तौर पर नौकरी पर बहाल किया जाए और उनकी पिछली सैलरियाँ दी जाएँ। अगर आज इन्होंने नौकरी पर बहाल ना किए, कल इस एहतजाज का हम जो है दायरा जो है वसी कर देंगे। 10-10 साल से जो हमारे मजदूर भाई काम कर रहे हैं, फैसलाबाद को खूबसूरत बनाया फूल पौधों के साथ, और इसकी खूबसूरती बहार रखी, उस इतनी खूबसूरती बाहर रखने के बावजूद भी हमें जो है ना आज ये मौका आया कि ना हमें सैलरी दी जा रही है और उल्टा हमें निकाला गया है। जो इन्होंने 750 बंदा तकरीबन पीएचई का डेली वेजेस बगैर किसी नोटिस के फारग कर दिया है, बिल्कुल ड्यूटी से निकाल दिया है। मुतालबा ये है हमारा कि फौरी तौर पर उसे बहाल किया जाए, और जो इनकी सैलरी वगैरह नहीं दी उसको भी फौरी तौर पर ये सैलरी दें। पीएचई मुलाजमीन ने तनख्वाह की अदम अदायगी के खिलाफ गुज़िश्ता रोज भी काम छोड़ हड़ताल कर रखा था। मुलाजमीन ने मुतालबा किया कि फिलफौर उनके मुतालबात तस्लीम किए जाएँ और बरतरफ किए गए मुलाजमीन को बहाल किया जाए, वरना एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा।